प्रभु ने हम लोग को कैसा बनाया?
प्रभु ने आपल्याला कसं बनवलं प्रभु की क्या इच्छा आहे आमचे प्रभुची इच्छा काय आपल्याकडे प्रभु की क्या इच्छा आहे आमचे प्रभुची काय इच्छा आहे सर पवित्र शास्त्र मध्ये काय आमचे सर्व पवित्र शास्त्रात दिले सर्व बायबल पढते ना सर्वजण बायबल वाचतात ना तो प्रभु ने आपल्याला क्या आहे शिकाय की आपण उसका अनुकरण करे आणि प्रभु ने काय शिकवलं की आपण त्याचं अनुकरण करा प्रभु की क्या इच्छा आहे आमचे की आपण उसका अनुकरण करे प्रभुची काय इच्छा आहे आपल्याकडून की त्याचं आपण अनुकरण करा आपण बता तुम्ही सांगा मतलब प्रभु की क्या इच्छा है जो हम लोग से वो चाहता है कि हम लोग उसके लिए करें हम लोग वो बाइबल में प्रभु हम लोग को कहता है अरे बाइबल में देव तेरी इच्छा संतो प्रभु ने जो हम लोग को 10 आज्ञा दिया अरे प्रभु ने जो 10 आज्ञा दिया उस 10 आज्ञा को पालन करना है अंत्य आधा आज्ञा से पालन करें उसमें जो चार प्रमुख आज्ञा है अंत्य से जो चार प्रमुख आज्ञा है ये तो शब्द तीन पालन करना तो शब्द पालन तू मूर्ति पूजा ना करना मूर्ति पूजा को मेरा नाम वेद मत लेना ना वेद भी उन लोगों मुझे छोड़ कोई अन्य देवता ना होना अरे मला सोडून दुसरे अन्य देव नसे जो चार मुख्य आते हैं आणि याचे चार मुख्य आते हैं और वो आज्ञा को हम लोग को पालन करना है आज्ञा आपल्याला पालन करायचे वो आज्ञा हम लोग पालन करेंगे अच्छा ते आपण आज्ञा पालन करू आपण वो जो बाकी के 10 आज्ञा में से जो चार आज्ञा हम लोग पालन करेंगे आणि 10 आज्ञा ना आपण चार आज्ञा पालन करू तो बाकी के सब चीज हम लोग को पालन करने के कुछ अरे दिक्कत नहीं आएगा आणि सहा आपल्याला पालन करण्यासाठी आपल्याला काही त्रास नाही होणार कुछ ऐसा तकलीफ नहीं आएगा आणि काही त्रास होणार तो आपण क्यों पालन करें आणि का पालन करें क्यों पालन करना है का पालन करें हम लोग ऐसा नहीं आएगा आपल्याला असं नाही इसलिए हम लोग ये सब बाइबल सिखाते हैं म्हणून आपल्याला हे सर्व बाइबल शिकवतो इसलिए आप लोग बाइबल पढ़ो म्हणून तुम्ही बाइबल वाचा अभी जैसे बाइबल का क्विज निकाले जब जसं बाइबलचं क्विज काढले तो बाइबल में ढूंढो बाइबल मध्ये शोधो ऐसा इधर से इंस्टेंट मत निकालो आणि लगेच शोधून काढू नको उस लोग क्या करते हैं इंस्टेंटली नेट पे डालते हैं इस पे डालते हैं और जल्दी से आंसर भेजते हैं आणि काही लोक लगेच नेट पर टाकतात आणि लगेच उत्तर पाठवतात आप लोग जल्दी से जल्द बाइबल ढूंढो आप लोग को याद रहना चाहिए आप लोग अभी बाइबल है ना रोज पढ़ते जाओ आणि बाइबल रोज वाचा मैं आपको एक बात बताऊं मैं तुम्हाला एक सांगतो आपका बाइबल आप लोग जितना बार आपका बाइबल पढ़ेंगे आणि जेवढा वेळा तुम्ही तुमचं बाइबल वाचाल आपको शब्द याद रहेगा तुम्हाला ते शब्द लक्षात राहतील अभी आशर की आशर की वंशावली में कितने लोग थे शूरवीर कितने लोग थे आणि आशर च्या वंशावली मध्ये किती शूरवीर लोक होते तो आप लोगों को बुद्धि आएगा की आशर की वंशावली में तो पहले इतिहास में आणि आशर की वंशावली पहले इतिहास आहे या पहले राजा में पहले राजा का ऐसा आपको अनुमान लगा सकते हैं तुम्ही असं अनुमान लावू शकता तो उसमें आप लोग जल्दी से जल्द ढूंढ सकते हैं आणि तुम्ही लवकरात लवकर शोधू शकता आणि ढूंढने के बाद आप लोगों को उत्तर मिल जाता है आणि शोधल्यावर तुम्हाला उत्तर मिळते ऐसा हम लोग को करना है असं आपल्याला ऐसा इंस्टेंटली जो अभी संसार में सब जगह इंस्टेंट हो गया है आणि जग कसं आता लगेच चलत रीतीने एकदम दौड़ अभी संसार एकदम दौड़ रहा है आणि जग कसं धावत आहे एकदम स्पीड में दौड़ रहा है कि सब कुछ अभी फटाफट आणि जगत रीतीने धावत आहे कि सर्व काही स्पीड मध्ये पण प्रभु के राज्य हम लोग फटाफट नहीं करना है आणि प्रभु च्या राज्यामध्ये आपल्याला स्पीड मध्ये नाही करायचं हम लोग प्रभु के राज्य में वचन में ढूंढ के प्रभु च्या राज्यात आपल्याला वचन शोधून वचन में जो लिखा है वो उत्तर देना है आणि वचनात जे लिहिले ते उत्तर द्यायचे ऐसा हम लोग को करना है असं आपल्याला करायचं तो हम लोग इसलिए बाइबल पढ़े म्हणून आपण बाइबल वाचा जितने लोगों का बाइबल आपका पढ़ के हो गए एक बार भी आणि जेवढ्यांचं बायबल पूर्ण वाचून झालंय एक बार मी वगैरे का तो हात उपर करो आणि एकदा हे वाचून झालं असेल तर हात वर करा हे जो नया करावर जुना करा नवीन नियम आणि जुना नियम एक हिस्सा आपका पढ़ के हो गया कोणाचं पूर्ण वाचून झालंय बोलो हात उपर करो ते हात वर करा कितने कम लोग हैं किती कमी लोग हैं आप लोग को बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है आणि बाइबल वाचणे तुम्हाला आवड नाही क्या आप लोग को बाइबल ऐसे पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है आणि तुम्हाला बाइबल वाचायला आवडत नाही या आपको बोरिंग है कि तुम्हाला कंटाळा येतो आप लोग न्यूज़पेपर कैसे देखे पैसा देके रोज का रोज खरीदते हैं अंत में वर्तमानपत्र कसं रोज रोज खरेदी करता आप लोग कैसे इधर उधर की बातचीत कैसे आप लोग पढ़ते हैं आणि इतल्या तितल्या गोष्टी कसं तुम्ही ऐकता अरे व्हाट्सअप पे मैसेज आए फेसबुक पे आए इंस्टा पे आए ट्विटर पे आए सब पे आए ना मैसेज कैसे फटाफट पढ़ लेते आणि मोबाईल मध्ये आलेले मेसेज कसे पटापट वाचतो ओळ पडते की आपल्याला समय आहे आणि ते वाचायला वेळ आहे पण अभि प्रभूने आपल्याला आपने आपल्या जो मसीह के लोग आहे आपल्याला पुस्तक दिले आहे आणि प्रभूने आपल्याला पुस्तक दिले ओ आपल्याला पडते की समय नाही आणि ते आपल्याला वाचायला वेळ नाही त्या बुरी बात आहे आणि किती वाईट गोष्ट आहे दुसरे लोक देखो दुसरे लोक पण लोक उनके इसमें करना ही पड़ता है आणि त्यांच्या मध्ये ते करावंच लागतं नाही की तो मार के करवा दे नाही केलं तर मारून करा आप लोग ऐसा करते नहीं है ना तुम्हाला असं नाही करत इसलिए आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते तुम बाइबल वाचा प्रभु अभी आपको सिखाएगा कैसा पढ़ना है बाइबल आणि प्रभु तुम्हाला शिकवेल बाइबल इसलिए प्रभु अभी फेर कह रहे हैं कि पढ़ो आप लोग बाइबल आणि प्रभु तुम्हाला पहिले सांगतो की तुम्ही बाइबल वाचा प्रभु आपको बहुत चेतावनी दे चुका है आणि प्रभु तुम्हाला चेतावनी अभी भी चेतावनी दे रहा है अजूनही तो चेतावनी ये अभी तक समय गया नहीं है अजून वेळ गेलेली आहे आपलं बाइबल आपका पढ़ो आणि बाइबल पढ़ते रहो बाइबल आणि
बाइबल वाचत राहाल आप लोग तभी बाइबल का ये मार्गदर्शन आपको आएगा आणि तुम्हाला बाइबल मार्गदर्शन करेल इसलिए बहुत लोग अभी मेरे को अभी मालूम पड़ा कि बहुत लोग को ये आर्ग्युमेंट करने के समय क्यों हार जाते हैं आणि आता मला कळालं की खूप जण वाद विवाद करताना का मागे होतात उलट उनका पुस्तक पढ़ते इसलिए उनको सब कुछ मालूम रहता है उनकी पुस्तक का आणि ती लोक त्यांचं पुस्तक वाचतात म्हणून त्यांना सगळं कळतं त्यांच्या पुस्तकात इसलिए उन लोग हम लोग से आर्ग्युमेंट करते हैं म्हणून ते आपल्याशी वाद विवाद करतात और हम लोग को मालूम नहीं है हाँ ऐसे अच्छा 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 पर मेरे इसमें ऐसा लिखा है अरे नहीं आपके इसमें ऐसा नहीं लिखा है वो बोलेगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है अच्छा आप पे सत्य है अच्छा अच्छा मेरे को नहीं मालूम सर्व बायबलचं मार्गदर्शन होईल आजकाल लोक बायबल क्यों नहीं पढ़ते आणि बायबल लोक का नाही वाचत कंटाळा आहे कंटाळा येतो नींद आहे झोप आहे बाहर घूमना है बाहर फिरायचं आहे इधर उधर जाना है इथे तिथे जायचं आहे इसलिए बायबल क्या है ओळख देते म्हणून बायबल काय करून देतात खास करके इंडिया में ही नहीं आणि भारतातच नाही बाहेर सब जगह ऐसे ही है आणि सर्व ठिकाणी असंच आहे पण प्रभू उन लोग से करवा के लेता है प्रभू त्यांच्याकडून करवून घेतो अभी प्रभू हमने को बताया कि हम लोग बाइबल पढ़ेंगे आणि प्रभू सांगतो आपण जो बाइबल वाचा हम लोग के लोगों को बचा सकते हैं आपण आपल्या लोकांना वाचवू शकतो कितने लोगों को अपने लोगों को अपने दोस्त लोगों को अपने फैमिली को अपने रिश्तेदार को अपने जाति के लोगों को कितने लोगों को लेना है यीशु में किती लोकांना आपल्या लोकांना यीशु मध्ये आणायचे आपले जितने लोग दुनिया के लोग उन सबको प्रभु में लाने का कितने लोग की इच्छा है आणि किती जणांची इच्छा आहे की ते यीशु द्यावे कितने लोगों की इच्छा है कि जितने लोग इस संसार में उसे प्रभु में आए जगह जेवड़ी लोग होती सर्व प्रभु मध्ये आवे इसलिए बाइबल पढ़ो उन बाइबल आप लोग शैतान से भी लड़ते हैं समय ना हम शैतान से भी लड़ते हैं शैतान उधर से बोलेगा ऐसा है हम शैतान बोले ऐसा है तो आप लोग ऐसा वचन के द्वारा उसे सामना कर सकते हैं आदमी वचन से द्वारा तेरा सामोरी जाऊ शकतो वचन आत्मी आत्मा की ढाल है आणि वचन ढाल है अगर उसने से तीर मारा उसने उधर से तीर मारा आणि त्याने जर तीर मारला तो आप लोग उसके हम लोग के पास जो वचन है उससे आप लोग रोक सकते हैं आणि आपल्याकडे जे वचन आहे त्याच्याद्वारे आपण त्याला अडवू शकतो खुद को बचा सकते हैं स्वतःला वाचवू शकतो अगर हम लोग के पास वचन नहीं रहेगा जर आपल्याकडे वचन नसेल तर उधर से तीर आके अपने को मार डाल सकते हैं आणि तिथून तीर आले तर आपण मरू शकतो इसलिए वचन पढो म्हणून वचन वाचा वचन का अनुकरण करो वचनाचं अनुकरण वचन हमेशा आम्हा लोग के लिए रखा है आणि वचन नेहमी आपल्यासाठी ठेवण्यात आले बाइबल में ऐसा कौन सा भी चीज नहीं है कि जो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है बाइबल में ऐसी कौन सी गोष्ट नहीं जो अभी पूर्ण झाली नहीं है प्रभु ने पहले ही कहा था कि ये जो मैं जाने के बाद नोआ की काल जैसी होगी वैसे ही मनुष्य के पुत्र की पहले आने की काल होगी आणि जसं नोहाची वेळ होती तशी मानव पुत्र यायच्या वेळेला ती वेळ तशी असेल अभी वैसे ही चालू आहे आणि तसंच चालू आहे अरे भविष्यवाणी जो हुई आणि प्रत्येक जी भविष्यवाणी झाली होवी ती झाली अभी हो रही है आणि आता ती पहिले दावीद उन लोग ने दावीद ने दावीदाने सब यशयाने यशयाने यिर्मयाने यिर्मयाने ऐसे जितने भविष्यवक्ता लोग हैं आणि जेवढे संदेष्टे आहेत उन लोग ने भविष्यवाणी किया था कि प्रभु आने वाला है आणि त्यांनी भविष्यवाणी केली की प्रभु येणार आहे मसीहा आने वाला है ख्रिस्त येणार आहे और वो किसमें जन्म ले वो सब भविष्यवाणी किया था आणि तो कोणतो जन्म घेले सर्व भविष्यवाणी केले यशयाने भविष्यवाणी केली की वो गाय को गोठे में जन्म लेगा आणि यशयाने भविष्यवाणी केली की तो गाईच्या गोठ्यात मिश्र में जाएगा तो मिश्र मध्ये जाईल मिश्र से फिर वो नासरत में रहेगा मिश्र मधून नंतर तो नासरत येते की वो नासरी केले जाए आणि मग तो नासरी म्हणवण्यात यावा वो शो जो भविष्यवाणी किया उसने वो सब पूरा अभी तक होत आहे जी जी भविष्यवाणी त्याने केली की पूर्ण झाले वो सब पूरा हुआ भी आणि ते पूर्ण झाले और हम लोगों को मालूम पड़ता है आपल्याला कळतं पहिले काल में लोगों के पास जैसे जो प्रभु के शिष्य थे उन लोगों के पास जैसे बाइबल आपका बाइबल नहीं था आणि जे प्रभु जे शिष्य होते त्यांच्याकडे असं बाइबल नव्हतं अभी उन लोग तभी उन लोग के पास मूसा की व्यवस्था थी अंत्य वह दिन चकड़े मोशे से नियम शास्त्र होते पर हमारे ऊपर कितनी प्रभु की अपार करुणा है अने आप लोग अति देवाच की दया है कि प्रभु ने हम लोग अभी वचन दिया बाइबल हमारे हाथ में दिया अने प्रभु ने अपने लोग वचन दिया बाइबल अपने हाथ में दिया उस समय लोग ऐसे बैठे रहते थे तड़े लोग ऐसे बसे रहते थे उस समय खड़े रहते थे अंत्य में सुबह रहे और एक जो याजक रहता था जो याजक का सेवक महायाजक वो ऐसा खड़ा होकर इधर प्रवचन करता था तो ऊपर हम प्रवचन कराए सर और उस महायाजक याजक को भी अपने घर में लेके जाने का परवानगी नहीं था महायाजक याजक का अपन घर नहीं परवानगी नहीं होती उधर प्रभु के भवन में रखा जाता था प्रभु जो मंदिर आते ठेवने जाए पर आपके कितने करुणा है आपके ऊपर हम कितनी दया है तुम्हारे पर वो अभी आपका घर भी मंदिर बनाया आने आता देवन तुमसे घर मंदिर बना प्रभु का मंदिर बनाए की जहाँ आपका पवित्र शास्त्र है आने प्रभु का मंदिर बनोगे जिसे तुमसे पवित्र शास्त्र है ओबे तुमके घर में प्रभु का संदूक था आने ओबे तो तुमसे घरी देवासा कोश होता प्रभु ने उसको कितना आशीष दिया प्रभु ने तेरा कितनी आशीर्वाद दिया उसको आशीष कैसे मिला तेरा कसा आशीर्वाद उसको तीन महीने में आशीष कैसे मिला कसा तेरा तीन महीने आशीर्वाद आपको मालूम है तुम्हारा महीने बताओ सांगा
आप लोग बताओ, आप लोग ने बाइबल पढ़े ना? बाइबल वासने आप लोग ने ओबेदम के नाम तो सुने हैं? ओबेदम सुना तुम्हें आई? कितने लोगों ने नाम सुना? कितनी जने ने नाम आई? अभी हाथ उठा रहे, पर बताओ फिर उसका क्या है, उसको क्या प्रभु ने कैसे आशीष दिया? देवंत ने कसा आशीर्वाद दिया? उसने क्या प्रभु को दिया? तेने काय प्रभु ने दिला? उसने अपना घर शुद्ध रखा, तेने तेचे घर शुद्ध ठेवले, उसके जितने घर में लोग थे, तेचे जेवढी घरात लोक होती, उसके बच्चे, तेचे मुले, उसके नाती होते, तेचे नातवंड, उसके जितने नौकर, आणि जेवढे नौकर और नौकरानिया, आणि जेवढे दासी और उसके जितने गाय बैल, आणि जेवढे तेचे गाय बैल, भेड़ बकरी संपत्ति, आणि संपत्ति, उन सबको शुद्ध रखा, आणि त्या सर्वांना शुद्ध ठेवले, उस समय अशुद्ध नहीं किया, आणि त्यावेळेस अशुद्ध नहीं केले, और उन लोगों को जो प्रभु ने कहा था कि मूसा की व्यवस्था में जो आज्ञा दिया था कि तुम लोग संदूक के सामने ये करना, आणि मूसेच्या नियमाच्या आज्ञा दिली होती तुम्ही कोशा पुढे असं असं, तीन महीने में उसको उसने वो किया, आणि तीन महीने त्याने तेवढं केलं, वो कंटाळा नाही, आणि त्याने कंटाळा नाही, आजकल लोग बाइबल खुद रिटर्न करते, आणि बाइबल लोग स्वतःहून परत करते, ये लो मेरे को नहीं चाहिए, आणि हे घ्या मला नको, कितनी दुख की बात है, कितनी दुखाची गोष्ट, उसकी इच्छा नहीं थी कि वो संदूक जाए, आणि त्याची इच्छा नव्हती तो कोश जावा, पण दाऊद की इच्छा थी कि उसको आशीष मिळते मेरे को भी मिले, आणि दाविदाची इच्छा होती की त्याला आशीर्वाद भेटला मला पण भेटावा, मेरे दाऊदपूर में भी प्रभु का संदूक रहे, दाविदपूर मध्ये पण देवाचा कोश असावा, उसने आदर दिया, त्याने आदर दिला, इसलिए उसको इतना आशीष मिला, म्हणून त्याला एवढा आशीर्वाद भेटला, पहिले ओबेदम का नाम नाही था, पहिले ओबेदम चं नाम नव्हतं, पण अभी प्रभु ने उसको इतना आशीष दिया की उसका नाम बाइबल में आया, आणि प्रभु ने त्याला एवढा आशीर्वाद दिला की त्याचं नाव पवित्र शास्त्रात आलं, उसका पवित्र शास्त्र में नाम है, पवित्र शास्त्रात त्याचं नाव आहे, तो हम लोग को भी वैसा ही आदर देना है, आपल्याला तसं आदर द्यायचं आहे, किसी किसी घर में आपका बाइबल है, आणि कोण कोणाचं घरी पूर्ण पवित्र शास्त्र आहे, बाइबल ऐसा नहीं कहो कितने लोग के पास है, आणि किती जणांकडे बाइबल आहे, सबके पास है ना, सर्वांकडे है ना, तो आप लोग आदर दो नीचे ले लो, आप लोग पवित्र शास्त्र है ना आपके घर में, पवित्र शास्त्र तुमच्या घरात आहे, आप लोग चापे रखते जहाँ पे आप लोग बाइबल रखते हैं, जिधर तुम्हें बाइबल ठेवता वो अच्छे जगह पे रखो, अंते चांगले ठिकाने ठेवो, ऐसे इधर जमीन पे मत रखो, जमीन पर ठेवो ना, या इतने हाइट पे मत रखो कि वहाँ एवढा उंच वर ठेवू नका, इतने हाइट पे मत रखो, आणि एवढा उंच अच्छे जगह रखो, चांगले ठिकाने जहाँ पे किसा पैर नहीं लगेगा, जिथे कोणाचा पाय लागणार नाही, अभी इधर बाइबल है, आणि इथे बाइबल है, और इधर अगर ऐसा पैर लगेगा फिर भी वो बाइबल को लगता है, अंदर इथे बाइबल ला लागते, इसलिए अच्छे जगह पे रखो कि जहाँ पे कोई ऐसा खराब ही बच्चा है ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, आणि मूल खराब करू शकणार नाही अशा ठिकाणी ठेवा, लोग अपना मोबाइल बरोबर अच्छी जगह पे रखते हैं, आणि लोक मोबाइल बरोबर चांगले ठिकाणी ठेवतात, की आपण का मोबाइल कुछ देखे नहीं, आणि आमचा मोबाइल बघू नये, आपण ने काय आहे काय देखे नहीं, आणि आम्ही काय ठेवले ते बघू नये, पण दुसरे लोग बरोबर से जल्दी से बता देते, पण दुसरे लोग बरोबर सांगतात की आपके लड़के ने ये रखा, आणि तुमच्या मुलाने हे ठेवले, ऐसा क्यों बताते, का सांगता, सब खुल जाते है, कारण सर्व उघड, पण बाइबल भी आप लोग ऐसा जगह रखना चाहिए, आणि बाइबल अशा ठिकाणी ठेवलं पाहिजे की आप लोग का वो बाइबल कोई चुराए नहीं, आणि तुमचं ते बाइबल कोणी चोरी करू नये, अभी लोग ज्यादा करके लोग ऐसे रखते है बाइबल अच्छे से, जास्त करून लोक असं चांगल्या रीतीने बायबल ठेवतात, की उसमें लोग ये रखते ना अपनी गुप्त पाप, गुप्त जो पाप रहते वो रखते, आणि ते लोक जे गुप्त गोष्टी असतात त्याच्यामध्ये ठेवतात, इसलिए लोग अच्छी जगह पे रखते की कोई देखे नहीं, आणि मग ते चांगल्या ठिकाणी ठेवतात की कोणी बघू नये, वैसे ही करते जाओ, आणि तसंच कर, अच्छी जगह पे रखो, चांगल्या ठिकाणी, जहाँ पे आपका बाइबल कोई भी गिरा नहीं सकता, आणि ते तुमचं बाइबल कोणीही पाडू नाही शकत, मेरा विश्वास है कि आप लोग ये सब आज्ञा पालन करेंगे, आणि माझा विश्वास है कि तुम्ही या सर्व आज्ञांचं पालन, इसलिए हम लोग बाइबल दिए है, म्हणून आपल्याला बाइबल दिले, तो हम लोग भी वचन पढ़ेंगे, की आता आपण वचन वाचा, आप लोग हमेशा घर में वचन पढ़े, मी नेहमी घरात वचन वाचा, इसलिए इधर समय लगाया वचन पढ़ने, म्हणून इथे वेळ ठेवले वचन वाचण्याचे, आज हम पढ़ेंगे साम 116, आणि आपण वाचू सूत्र संहिता 116, वचन संहिता अध्याय 116, सूत्र संहिता अध्याय 116, साम 116, सूत्र संहिता अध्याय 116, पहला वचन मैं पढ़ूंगा, पहला वचन मैं वाचें, दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, दूसरा तुम ही वाचा, ऐसा करके हम लोग 18 तक पढ़ेंगे, ऐसा करो अपन 18 पर्यंत, और 19 वचन सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, 19 वचन मिलकर सब लोग खड़े हो जाएंगे, सब वचन उपयोग खातिर, साम 116, सूत्र संहिता 116, खड़े होकर प्रभु को आदर देंगे, उबर हम देवर आदर देते, परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु है, अंदेवर का वचन स्वतः यीशु है, इसे आदर दें, तेरा आदर, खड़े होकर ही हमें इसे पढ़ना, अपन उबर हमने सेना वचन से, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाने को सुना है, तो अपना कान मस्कर रखो, मन श्वास ऐसे करो कि ऐसी प्रार्थना करो रहे, मृत्यु मृत्यु की रसिया मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक में सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, यहोवा अनुग्रहकारी है और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, रक्षण मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्यों
क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है तेने माझे जीवन माझे डोळे अश्रूपासून आणि माझे पाय पेचवण्यापासून रक्षिलेले आहेत मैं जीवित रहते हुए अपने यहोवा को अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलाता रहूंगा मैं उदावली से कहा सब मनुष्य झूठे ही है मला आता कोणते अर्पण वाहत आहे प्रभुदेवा कटोरा उठाकर यहोवाचे प्रार्थना करूंगा जी अर्पणे आणि मी शपथ घेतली होती ती सर्व अर्पणे मी त्याला सर्व लोकांसमोर सादर करेन यहोवा के भक्त की मृत्यू उसकी दृष्टि में अनमोल है मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा यदि मंदिराच्या अंगणात मी देवाला केलेला प्रत्येक नावस लोकात समक्ष जाहीर रीतीने फेडेन आणि स्वजन सभा मिळले पडेंगे यहोवा के भवन के आंगन में देव भीतर पूरी करो यहाँ की स्तुति करो आलो माते बुर्गे प्रभु को धन्यवाद आदे मातुन सब देवाला धन्यवाद देवया धन्यवाद 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 धन्यवाद